हम लोग डिस्कस करेंगे, बात करेंगे नाजी वर्ल्ड में जर्मनी में यूथ का क्या पोजीशन था, क्या स्थिति थी। व्हाई हिटलर हैज पेड मोर अटेंशन ऑन द यूथ इन जर्मनी। किसी भी कंट्री में जो यूथ होता है वो एक वाइटल रोल प्ले करता है, देश के भविष्य को स्टेबलाइज करने। ये बात हिटलर भी अच्छी तरह जानते थे। वो चाहता था कि एक नॉर्डिक आर्यन स्टेट, रेशियन स्टेट, प्योर रेशियन स्टेट को एस्टेब्लिश करे, और प्योर रेशियन स्टेट तभी हो सकता है जब वो चिल्ड्रेंस को नाइजी आइडियोलॉजी से बिल्कुल अवगत करा दे। They wanted the children to be taught in the Nazi ideology. For what he did the following things. क्या आखिर उसने किया? सबसे पहले कि बच्चे को अगर ट्रेनिंग देनी है, उनके दिमाग में कुछ आइडियोलॉजी भरनी है, it will be started from the very beginning, starting point. और starting point हो जाती है school. स्कूल में उसने क्या किया? सबसे पहले स्कूल विल क्लीन एंड प्यूरिफाइड। अगर ये लाइन हम बोल रहे हैं कि स्कूल विल क्लीन एंड प्यूरिफाइड, इसका मतलब ये नहीं है कि स्कूल को साफ किया गया, मॉपिंग किया गया था, है कि नहीं, उसको क्लीन किया गया था, इंसेक्टिसाइड का यूज किया गया, सारे इंसेक्ट को मर दो, जर्म को किल कर दो, इसी बात। प्यूरिफाई करने का मतलब कि वहाँ सिर्फ वो चाहता था एक ही तरह के चिल्ड्रेन पढ़े। वो एक तरह के चिल्ड्रेन कौन थे? वो नॉर्डिक आर्यन चिल्ड्रेन थे। क्या किया उसने सबसे पहले? अनडिजायरेबल चिल्ड्रेन्स जो पॉलिटिकली अनडिजायरेबल था, कि कौन थे? तो पॉलिटिकली अनडिजायरेबल ज्यूज, जिप्सी एंड फिजिकली हैंडीकैप्ड। फिजिकली हैंडीकैप्ड में नॉर्डिक आर्यन भी थे। अगर कोई नॉर्डिक आर्यन है जो उसका फीचर्स था क्या, ब्लॉन्डी हेयर हो, ब्लू आई हो, वाइट कम्प्लेक्शन हो, इवन आफ्टर रेस एक्सपर्ट हैज कंफर्म दैट दिस बिलोंग टू द नॉर्डिक आर्यन, लेकिन वो फिजिकली हैंडीकैप था, तो नाजी जर्मनी के लिए वो अनडिजायरेबल था। उसकी उस नाजी जर्मनी में कोई स्थान नहीं था, कोई प्लेस नहीं था, तो ऐसे को थ्रोन आउट कर दिया गया, स्कूल से निकाल दिया गया। और स्कूल से निकालने के बाद उनका भविष्य क्या हुआ? उनको एक ऑर्फेनेज में भेजा गया था, और 1940 में ऑल द चिल्ड्रेन्स वर थ्रोन आउट ऑफ द स्कूल्स वर सेंट टू द गैस चैम्बर। गैस चैम्बर का मतलब कि उनका लास्ट सॉल्यूशन था, उनको मार दिया गया 1940 में ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। चिल्ड्रेन को मतलब कि ये छांटने से पहले, सेग्रीगेशन से करने से पहले ये कंफर्म कर लिया है कि नॉर्डिक आर्यन चिल्ड्रेंस ज्यूज एक साथ नहीं बैठेंगे, एक साथ नहीं रहेंगे। सेग्रीगेट करने के बाद इन सबको स्कूल से बाहर थ्रो आउट कर दिया। अब ये टीचर्स की बात, टीचर्स में भी देखा कि जो ज्यूज थे, कम्युनिस्ट थे या जिप्सिस थे, उनको स्कूल से डिसमिस कर दिया गया, निकाल दिया गया, हटा दिया गया। और उसके बाद जब टीचर्स निकल गए तो अब बच कौन गए? तो टीचर्स थे नॉर्डिक आर्यन टीचर्स थे, तो चिल्ड्रेंस थे नॉर्डिक आर्यन स्टूडेंट्स भी थे। उन्होंने टेस्ट बुक को रीराइट करवाया, लिखवाया, टेस्ट बुक, स्कूल टेस्ट बुक वेयर री रिटेन। उसमें उसने रेशियल साइंस को इंट्रोड्यूस करवा दिया। रेशियल साइंस को इंट्रोड्यूस क्यों करवाया? कि वो अपनी आइडियोलॉजी को, अपने फिलोसफी को सच साबित करना चाहता था, जिसमें उसने हेल्प लिया था दो बायोलॉजिकल साइंटिस्ट, चार्ल्स डार्विन और हर्बर्ट स्पेंसर को, क्योंकि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। और उसका कहना था कि सबसे जो फिटेस्ट रेस है वो नॉर्डिक आर्यन है, सिर्फ उसी को सर्वाइव करने का या फ्लोरिश करने का राइट है, बाकी का कोई राइट नहीं है। इसलिए स्कूल बुक को रिटेन करवाया था, पुनर्लिखवाया था, उसमें उसने रेशियल साइंस को इंट्रोड्यूस करवा दिया था। व्हाई द रेशियल साइंस वाज इंट्रोड्यूस समझ में आ रही है। चिल्ड्रेन्स वर टॉट टू बी लॉयल एंड सबमिसिव, एकदम भक्त हो जाना है किसका? देश का, देश का एक्सपली
उपादेश का मतलब हो गया था कि नाजी के प्रति, हिटलर के प्रति एकदम सब कुछ कुर्बान कर देने वाली बात, इसको माइंड को कंप्लीटली वॉश आउट कर देना कि ओनली दे हैव टू फॉलो द इंस्ट्रक्शन ऑफ द नाजी, मींस की हिटलर का, नाजी का मतलब हिटलर समझिएगा, ठीक है। चिल्ड्रंस दे टॉट टू बी, दे वर आल्सो टॉट टू हेट ज्यूज एंड वर्शिप हिटलर। वार को प्रशंसनीय बताया गया था, प्रोपेगेंडा किया गया था, वार को उसने लव किया था, पीस को हेट किया था, ज्यूज को हेट करो, वर्शिप करो हिटलर को। बच्चे में एग्रेशन लाना, क्योंकि बच्चे को उसको तैयार करना था आर्मी के लिए, क्योंकि तो उसको पता था कि सेकेंड वर्ल्ड वार होने वाला है, कि जो इनजस्टिस फर्स्ट वर्ल्ड वार में जर्मनी के साथ किया गया था ड्यूरिंग द ट्रीटी ऑफ वर्सा, विच कैन नॉट बी टॉलरेटेड फॉर लॉन्ग, एंड इट वॉज क्लियर डेट द सेकेंड वर्ल्ड वार इज इनवाइटेबल, एंड सिंस इट वॉज इनवाइटेबल जर्मनी वॉज प्रिपेरिंग इटसेल्फ, नॉट जर्मनी, हिटलर वॉज प्रिपेरिंग इटसेल्फ फॉर द सेकेंड वर्ल्ड वार, अपने आप को तैयारी कर रहा था, जर्मनी की तैयारी कर रहा था, उसको लगता था कि हमारे साथ बहुत बड़ा इनजस्टिस हो गया, इस इनजस्टिस को हम टॉलरेट नहीं करेंगे। तो बचपन से ही बच्चों से स्टार्ट कर दिया गया था, बच्चों में कहा था कि बॉक्सिंग एक गेम होगा जो फिजिकल कॉन्टेक्ट होती है, फिजिकल कॉन्टेक्ट होने के कारण उसमें एग्रेशन बहुत ज़्यादा होता है, तो एग्रेशन के लिए बॉक्सिंग वॉज इंट्रोड्यूस बिकॉज इट मेक्स द चिल्ड्रेन आयरन हार्टेड स्ट्रॉन्ग मैस्कुलिन, आयरन हार्टेड स्ट्रॉन्ग एंड मैस्कुलिन बनाना है, कि बच्चे जब बाहर आके जाए तो आयरन हार्टेड हो, उसमें दया नहीं हो, और एग्रेशन उनमें बहुत ज्यादा होना चाहिए, एग्रेशन होगा देन ओनली दे वर एबल टू फाइट द वॉर। और इस सबको करने के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन, यूथ ऑर्गेनाइजेशन एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ऑफ टाइप ऑफ रोल वॉज प्लेड बाई द यूथ ऑर्गेनाइजेशन। एक्चुअली यूथ ऑर्गेनाइजेशन को 1922 में ही एस्टेब्लिश किया था। अब 1922 बहुत पहले की बात है, पावर में तो बहुत बाद में 1933 में आया था, ये 1922 में किया था, बाद में इस यूथ ऑर्गेनाइजेशन का नाम चेंज करके हिटलर यूथ कर दिया था, यू 4 जुलाई 1926 को हुआ था। हिटलर यूथ को कई डिपार्टमेंट में डिवाइड कर दिया गया था और ये रिस्पॉन्सिबल था बच्चों में एक एग्रेशन को फ्लोरिश करवाने के लिए, नाजी आइडिया को बढ़ावा देने के लिए। तो बच्चे को, जैसे हमारे यहाँ छोटे बच्चे को नर्सरी स्कूल में डालते हैं, उससे बड़े हो जाते हैं तो मिडिल स्कूल में हो जाता, हाई स्कूल में जाता, कॉलेज में जाता है, इन द सेम वे वो डिवाइडेड। तो 10 से 14 साल के बच्चे जंक वॉल्ट, ये जंक वॉल्ट क्या था, नाजी युद्ध का एक पार्ट था, एक ब्रांच था जो बच्चों के लिए था, नाजी आइडियोलॉजी वॉज बींग गिवेन टू देम, ट्रेनिंग वॉज बींग गिवेन टू देम, इट वॉज बिकम द ड्यूटी, किसके ड्यूटी, ये यूथ ऑर्गेनाइजेशन की ड्यूटी थी जो बाद में हिटलर यूथ बन गया। 14-18 दे हैड टू ज्वाइन द हिटलर यूथ, ये जंक वॉल हिटलर यूथ का एक पार्ट था जो बच्चों के लिए था, और जब 18 ईयर्स का हो जाएगा तो दे हैड टू सर्व इन द आर्म फोर्सेस। एक्चुअली ये जो हिटलर यूथ था उसको 1933 में कुछ दिन के लिए बैन कर दिया गया था, जिस समय हिटलर पावर में नहीं आया था, बैन कर दिया गया था पॉलिटिकल वायलेंस के कारण, इसको बैन कर दिया गया था, लेकिन जूसे जो चांसलर आए थे उन्होंने इस बैन को लिफ्ट कर लिया था। अब समझो कि जिस समय ये बना था उस समय जो मेंबर्स थे कुछ सैकड़ा में थे नहीं, लेकिन जब तक ये पावर में आया उस समय ये लाखों में आ गए थे, लगभग माना जाए कि पूरा जर्मनी का ज्यादातर बच्चे अंडर द हिटलर यूथ में आ गया था, ये लाखों में पहुंच गई थी। और उस टाइम के पॉपुलेशन के हिसाब से देखो अगर लाखों में हो जाए तो बहुत सारे बच्चे आ गए, क्योंकि उनको ट्रेनिंग दे रहा था किसके लिए, नाजी आइडियोलॉजी के लिए, या अगर बच्चे नाजी आइडियोलॉजी को होंगे तो हम इजिली वार विन करेंगे, और एक स्टेट रेसियल स्टेट होगा जो कम्प्लीटली एक ही रेस के लिए बना होगा, वही उसमें फ्लोरिश कर सकता है। ये था तुम्हारा यूथ इन नाजी जर्मनी, व्हाट वाज द कंडीशन ऑफ यूथ इन नाजी जर्मनी, आई होप यू माइट हैव अंडरस्टूड व्हाट वाज द कंडीशन एंड हाउ द हिटलर वाज ट्राइंग टू मैनिपुलेट एंड चेंज द माइंड ऑफ द यूथ इन देयर फेवर।
ओके गो थ्रू दिस वीडियो थैंक यू.